जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर पांचवा युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी।